मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पांचवी सूची जारी होते ही बीजेपी नेताओं के बीच में विवाद मच गया है। ग्वालियर में टिकट वितरण को लेकर नाराज नेता मुन्नालाल गोयल के समर्थकों ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल का घेराव कर दिया। सैकड़ों की संख्या में समर्थक यहां जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इन समर्थकों की महल के सुरक्षा गार्ड से भी भिड़ंत हुई है। इस बीच महिलाओं ने महल के पहले चेक पॉइंट पर जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की। महिला समर्थकों ने यहां मुख्य दरवाजे के सामने जमीन पर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू किया। बता दें कि समर्थक पूर्व मंत्री माया सिंह का टिकट बदलकर मुन्नालाल गोयल को टिकट दिए जाने की मांग कर रहे थे। वहीं इसी बीच में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने मदद का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि सिंधिया के महल जयविलास पैलेस में पहली बार इस तरह का कोई विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। आप जैसे कितने लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुना? की तपस भूमि की ये सम्मेलन है जहां से जो ऊर्जा का प्रकाश जोपुर से लेकर दतिया तक और दतिया से लेकर गुना शिवपुर अशोक नगर से राजगढ़ और राघोगढ़ तक पहुंचाना है मेरे भाई। अपने कर्ता धर्ता के पास हम आए हैं, निवेदन करने आए हैं कि किसी इस टिकट को बदला जावे और ये टिकट मुन्नालाल गोजी को दिया जावे, क्योंकि इस तरीके से यदि ये सीट को यदि निकालना है हम लोगों को तो मुन्नालाल गोयल को ही टिकट ये देना पड़ेगा, तभी ये सीट निकल पाएगी, नहीं तो ये सीट हम लोग गिफ्ट में कांग्रेस को दे रहे हैं। सामने है, हम यहाँ 4 घंटे से बैठ रहे थे, महाराज साहब ने हमसे बहुत बढ़िया मुलाकात की है, आश्वासन दिया है वो पार्टी में हमारी बात को रखेंगे और टिकट बदलने पर पूरी ताकत लगाएंगे। वो आश्वासन देके गए हैं कि मैं आपकी भावना को पार्टी में रखूंगा।